नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश गौतम। हाल ही में हमारे एक नेता जी ने कोरोना वायरस को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, कमाल का स्टेटमेंट। नेता जी का कहना है कि कोरोना वायरस भी एक प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। सही कहा नेता जी आपने, कोरोना वायरस को जीने का अधिकार है, आपको भी है, बस आम आदमी को नहीं है। यही तो कारण है, आम आदमी अगर जिंदा है तो अस्पताल नहीं है और मर जाए तो उसके लिए शमशान नहीं। ऐसे महान नेताओं के लिए ही किसी शायर ने कहा था कि जिनसे उम्मीद थी कि वो बनाएंगे मजार मेरी, जिनसे उम्मीद थी कि वो बनाएंगे मजार मेरी, वही मेरी कब्र की वही मेरी ये ऐसे नेता होते हैं कि आए वो मेरी कब्र पर, आए 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 वो मेरी कब्र पर, दीपक बुझा के चल दिए और दिए में कुछ तेल था सिर पे लगा के चल दिए। वैसे एक बात है, ये नेता भाषण देते थे, जब भी भाषण देते हैं भाषण देते समय तो मित्रों मित्रों करते हैं, लेकिन इनके कारनामों से लगता है कि हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं। बस नेताओं के लिए ही प्रसिद्ध कवि जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने कभी कहा था कि नदी के घाट पर गर सियासी लोग बस जाते, नदी के घाट पर गर सियासी लोग बस जाते तो लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाते, और गनीमत है कि उस पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। अदम गोंडवी जैसे शायर को कहना पड़ा, अदम गोंडवी ने कहा कि जो डलहौजी न कर पाए वो ये हुकाम कर देंगे और कमीशन दो तो पूरे मुल्क को नीलाम कर देंगे। हुल्लड़ मुरादाबादी कहते हैं कि नेताजी को देखकर क्यों लगे भागने आप, और कहीं मुझे न काट ले रोकर बोला सांप, वैसे इन नेताओं का कोई ईमान तो होता नहीं है। गैस सिलेंडर पर अगर 10 रुपये बढ़ जाएं तो ये प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेज देते हैं, ये बात अलग है। अगर 100-200 रुपये भी बढ़ जाएं तो अपने समय में ये चूड़ियां पहन कर बैठ जाते हैं। बच्चे तक इन नेताओं की हकीकत जान गए हैं। एक टीचर ने एक बच्चे से एक दिन पूछ लिया कि बताओ अगर एक भ्रष्ट नेता नदी में डूब के मर जाए तो तुम इसे क्या कहोगे। बच्चा बोला जी पोल्यूशन। टीचर ने कहा अगर सारे भ्रष्ट नेता नदी में डूब के मर जाए तो तुम इसे क्या कहोगे। बच्चा बोला जी सोल्यूशन। कमाल की बात यह है, पिछले दिनों एक सिग्नल पर एक बच्चा मास्क बेच रहा था, अचानक एक नेताजी की चमचमाती हुई कार वहां पर आकर रुकी। नेताजी ने अपना कांच खोला और बच्चे से कहा कभी तुम झंडा बेचते हो, कभी रुमाल बेचते हो, कभी मास्क बेचते हो, आखिर तुम क्या नहीं बेचते हो। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा जी देश नहीं बेचते। अभी हमारे यहां 5 राज्यों में चुनाव थे, एक चुनावी सभा में एक नेताजी भाषण दे रहे थे। नेताजी बोले भाइयों और बहनों, ये जो पिछली सरकार के नेता थे इन्होंने 5 साल तक आपका खून चूसा, इस बार मुझे मौका दीजिए। अच्छा, एक नेताजी तो भाषण दे रहे थे, चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। नेताजी भाषण दे ही रहे थे कि इतने में कुत्ता आकर उनको काट गया। इसलिए कहना पड़ता है
कि डाकुओं का इंटरव्यू करने के लिए हम चंबल गए, डाकुओं का इंटरव्यू करने के लिए हम चंबल गए, मुझे वहां डाकू नजर नहीं आए। मैंने वहां भटकते हुए एक आदमी से पूछा कि भाई साहब आजकल यहां डाकू नहीं रहते? वो बोला नहीं भाई साहब, अब उन सब डाकुओं की पदोन्नति हो गई है, उनकी जगह चंबल में नहीं, उनकी जगह देश की राजनीति में हो गई है। पहले वो कुख्यात डाकू थे, अब मंत्री हैं। पहले पुलिस से भागते हुए फिरते थे, अब उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी हैं। हमने उनसे पूछा नेताजी आप में इतना बदलाव कैसे आया? वो बोले कैसा बदलाव? वो बोले कैसा बदलाव, जब डाकू था कपड़ों का रंग काला था, अब एकदम झक सफेद उजला है। दोस्त मैंने वो काम नहीं छोड़ा, बस काम करने का तरीका बदला है, बस काम नेता बड़े खतरनाक खतरनाक मिले हमें। एक नेताजी सड़क से जा रहे थे, सड़क पे एक कुत्ता लेटा हुआ था, नेताजी ने बिना मतलब उस कुत्ते को एक लात जमाई। कुत्ता उठा, उसे नेताजी की तरफ देखा और फिर सो गया। तो मैं कुत्ते के पास गया, मैंने कहा यार तू बड़ी फुर्सत में सोया हुआ था, फिर भी इस नेता ने तुझे एक लात जमाई, क्या तेरे दिल में बदले के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला सर दिल में बदले के भाव तो बहुत जगे, पर नेताओं के मुंह कौन लगे। इस सियासत ने हमें आपस में बहुत बांट दिया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हाल ही में दिवंगत हुए हमारे वरिष्ठ गीतकार राजेंद्र राजन ने कभी कहा था कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और न जाने कहां खो गई है आदमियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए आइए इस सियासत से दूर रहिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे के आसपास रहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आइए। देखते रहिए कॉमेडी काढ़ा।